हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। या फ्रेंड, थंबनेल में बिल्कुल आपने सही पढ़ा, जो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी इसकी आपके आंसर की आ गई, जो आपके यूजी के प्रोग्राम से इसकी आपकी आंसर की आ गई। तो कैसे आपको चेक करना है, इसके लिए आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद इधर जो आपका ये एडमिशन वाला सेक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका जो एडमिशन वाला सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एडमिशन वाले सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिख रखा होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे। इसके बाद क्या, ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर देख लिए आंसर की, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप आंसर की पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपके कौन कौन से कोर्सेज की आंसर की आ गई। तो आपको चेक कैसे करना वो मैं अभी बाद में बताऊँगा। यहाँ पर आपको जैसे ये देख लिए दिखा रखा है, BSc बायोलॉजी की आ गई है, ठीक है। उसके बाद BSc बायोलॉजी की आ गई है, BSc बायोलॉजी है, ये सब अलग अलग बुकलेट हैं। बुकलेट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपके कई सारे सेट बनते हैं ना, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो ये देख लीजिए यहाँ पर है। एक बार मैं इसको खोल के देख लेता हूँ इसका मतलब क्या है। तो जी हाँ फ्रेंड, इस टाइप का आपका कुछ होगा। आंसर की जो आपको OMR शीट मिली थी वो इस टाइप की थी, ठीक है। उसमें यहाँ पर आपको क्या दिखा रखा हो, इधर आपका पेपर कोड वोड जो है वो तो दिखाई रखा होगा। यहाँ पर आपको अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा, जैसे फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर था, थर्ड नंबर था, इस तरीके से आपके हर क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा, ठीक है। और क्या है, और तो कुछ नहीं यहाँ पर। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसकी हमारी आ गई है, तो इधर हमारे BSc की आ गई है, BSc मैथमेटिक्स की आ गई है। उसके बाद क्या है, BSc मैथमेटिक्स के बाद हमारे BSc वॉइस की आ गई, बी वॉइस की आ गई है, बी वॉइस की सीरीज़ बी, सीरीज सी, सीरीज डी, सभी कोर्सेज की आ गई। ऐसे जाके आपको चेक करना है। BA के भी आ गई, BA के देख लिए, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज सी, सीरीज डी, इस टाइप से आ गई है। BCom की भी आ गई, BCom में भी आपका सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी, सीरीज़ डी। से यहाँ पर फ्रेंड, सीरीज़ का मतलब ये है कि आपके जो सेट्स बनते थे ना, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, या सेट ए, सेट बी, सेट सी, जो भी आपका सेट आया होगा आपको पता होगा उसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन मार किए, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका BFA का भी है, उसके बाद BGMC का भी है, उसके बाद आपका BCAG का भी है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका LLB 5 ईयर वाले स्टूडेंट्स का भी है। चारों पांचों सेट हैं आपके फ्रेंड। ये जो इधर दे रखा है, किसी किसी में सेट लिखना शायद ये भूल गए या मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। बट लेकिन इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर BSc बायोलॉजी है, ठीक है। तो BSc बायोलॉजी में ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, ये ए है, और ये बी है, सेट बी है, ये सेट सी है, ये सेट डी है। इसी तरीके से आपका BSc मैथमेटिक्स में भी है, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, और सेट डी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। कैसे चेक करना वो सभी बातें मैंने बता दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप भेजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हम ले लेते हैं एक बार BCom का सेट ए ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो फ्रेंड पूरा देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी कहीं ज़रूरत है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे कि आपने सेट ए है, ठीक है, तो सेट ए जो अब आपका आया होगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था सी पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था ए पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का आंसर था बी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था डी पार्ट, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था डी पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपका है, इसके बाद छठा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं 11वां क्वेश्चन है ये हमारा, 11वें क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी, सही आंसर। उसके बाद इसी तरह ले लेते हैं अगर 57, तो 57 में जो 57 क्वेश्चन है इसका आंसर है हमारा सी, ठीक है। और मान लेते हैं 88 है, तो 88 का आंसर है हमारा ए। ये कौन से सेट का है, ये सेट ए का है। इसी तरीके से आपको अपने सेट के हिसाब से चेक करना है। फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप भेजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसके साथ जरूरत है उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।